और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे जेल से बाहर आएगा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अमृतपाल सिंह को शर्तों के साथ मिली पेरोल। चुनाव जीतने के बाद अमृतपाल को मिली पेरोल। डिब्रूगढ़ जेल से सीधे संसद आएगा अमृतपाल सिंह। ये बड़ी खबर। 5 जुलाई को लोकसभा सदस्य के रूप में लेगा शपथ। लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेगा अमृतपाल सिंह। स्पीकर के कमरे में ये शपथ लेगा अमृतपाल सिंह को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, स्पीकर के कमरे में शपथ दिलाई जाएगी अमृतपाल को। 5 से 9 जुलाई तक दी गई है पेरोल। एनएसए लगने के बाद पहली बार जेल से बाहर आएगा अमृतपाल सिंह। तो अमृतपाल सिंह को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमृतपाल सिंह को पेरोल दी गई है। 5 से 9 जुलाई तक पेरोल दी गई है और पहली बार एनएसए लगने के बाद डिब्रूगढ़ जेल से बाहर आएगा अमृतपाल और स्पीकर के कमरे में ये शपथ ग्रहण होगा। स्पीकर के कमरे में शपथ लेगा अमृतपाल सिंह। मनोहर केसरी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या जानकारी है, कब हो सकता है ये अमृतपाल सिंह का शपथ ग्रहण? देखिए, कट्टर समर्थक और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह जो असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, और इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें पंजाब के खडूर साहिब से जीत करके आया है। अब जेल में बंद होने की वजह से उन्होंने इस बार जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ शपथ नहीं ले पाया था, लेकिन अब उन्हें रासुका के अधिनियम 15 के तहत उन्हें पेरोल दिया गया है। 4 दिन का पेरोल दिया गया है। खबर यह है कि 5 जुलाई को स्पीकर ओम बिरला के रूम में उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। अगर हम देखें अमृतपाल को लेकर के, तो अमृतपाल इस बार जो है खंडूरपुर साहिब से कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको 1,97,000 वोट से हरा करके जीता। हालांकि उसके ऊपर पहले ही रासुका लगा हुआ है अपने 9 सहयोगियों के साथ और असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। और जब वो जीत करके आया तो जनता का प्रतिनिधित्व माना जा रहा है, और अब उनके शपथ के लिए एक नियम है, नियम के तहत उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। जी, इसके साथ ही सुरक्षा के इस बीच क्या कुछ इंतजाम होंगे? अब क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, अगर असम से या फिर डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक लाया जाएगा तो किस तरह के इंतज़ाम सुरक्षा के देखने को मिल सकते हैं, और प्रशासन के लिए क्या कोई चुनौती हो सकती है? क्योंकि हमने देखा जब अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई थी तो लंबा वक्त लग गया था, लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा फरार जो है वो अमृतपाल रहा था। उसके बाद लगातार तमाम सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन, पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी हो पाई, सरेंडर जो है वो ये कह सकते हैं कि गिरफ्तारी हुई थी अमृतपाल की। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि याद होगा कि पंजाब में जब पिछले साल अजनाना की घटना घटी थी और उस घटना में अमृतपाल किस तरह से अपने समर्थकों के साथ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए थाने का घेराव किया था, पुलिस को उनकी ड्यूटी करने से रोका था, हथियार लेकर के उनके समर्थक पहुँच गए थे। तो उसके बाद मार्च 2023 में वो अलग अलग वेश बदल करके रह रहा था, और उसके बाद उसे पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तारी की थी, और रासुका के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के साथ, कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होंगे, और उसके बाद जो उन्हें लाया जाएगा और 5 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। चलिए शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप